इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों में रात भर हमले। ड्रोन, बैलिस्टिक और स्कैंडर मिसाइल से हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, ज़ापोरिज्या में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। लोगों से शेल्टर्स में रहने की अपील की गई है। तीसरी बड़ी खबर, ज़ापोरिज्या में रूस का 14 इलाकों पर हमला। ब्रेक करें। 14 इलाकों पर रूस की 77 बार बमबारी। चौथी बड़ी खबर, 24 घंटे में यूक्रेन ने 2 रूसी क्रूज मिसाइल किए नष्ट। बड़ी खबर, 24 घंटे में यूक्रेनी एयर डिफेंस ने मार गिराए 20 ड्रोन। पांचवी बड़ी खबर, सऊदी के प्रिंस सलमान की यूएस को धमकी, तेल कटौती का बदला लिया तो बुरा होगा अंजाम। ये पांचवी बड़ी खबर है। इस सब के बीच में सीधे आइए, छठी बड़ी खबर हम आपको दिखाने। कीव पहुंचे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। लीजिए, कीव टूरिज्म अभी भी चल रहा है। कीव में ज़ेलेंस्की से मिलेंगे जस्टिन ट्रूडो। कनाडा ने भर भर के यूक्रेन की मदद की इस युद्ध में, बल्कि सबसे पहले मदद करने वाले देशों में है। सातवीं बड़ी खबर, सीधे आइए, तुर्की के अंकारा में मिसाइल फैक्ट्री में लगी आग, दिखाइए जरा विजुअल्स। अंकारा की मिसाइल फैक्ट्री में जो आग लगी उसकी तस्वीरें, और यह चिंताजनक खबर है, मिसाइल फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी आग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलिए अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर है, अमेजॉन के जंगलों में चमत्कार, प्लेन क्रैश के 40 दिन बाद जिंदा मिले 4 बच्चे। इनके वीडियोस भी आ गए वैसे, जब बच्चे एयरक्राफ्ट से उतर रहे हैं। कोलंबिया में 40 दिन पहले क्रैश हुआ था एयरक्राफ्ट, कड़ी मशक्कत के बाद सेना ने 4 बच्चों का किया रेस्क्यू। इंजन में खराबी के बाद क्रैश हो गया था प्लेन। इस सब के बीच में सीधे चलिए, 8 ब्रेकिंग न्यूज हम दिखाएंगे आपको बाद में, लेकिन ये यहां पर दिखाइए पहले। और उसी के साथ राहुल, सीधे आइए हमारे खास मेहमानों पर, इस वक्त जो हमारे खास मेहमान स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।